सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं मौली प्रॉपर्टी सर्च तो गुरमन बोल रहा। अज 138 स्क्वेयर यार्ड लेके आया थोड़े वास्ते। कोठी टू साइड ओपन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन दे विच हैगी है और आप फ्रंट एलिवेशन देख सकते हो तुसी इस कोठी दा। दोस्तों प्रॉपर रहायश हैगी है, तुहानू दिखा दिंदा, सारी रहायश हैगी है, प्रॉपर घर बने हुए हैं सारे और कोठी का फ्रंट भी बहुत प्यारा बने है। हुण आपां कोठी नूं अंदर चल के देखते हैं। दोस्तों इस कोठी इत्थे दो तीन टू व्हीलरस ईजीली लग जाते हैं और इत्थे एक बड़ी कार लग जाती है, प्रॉपर ग्रेनाइट लगे। इस कोठी का काम चल रहा है, पेंट वर्क छोटा छोटा लकड़ का काम चल रहा है। नीचे गैस सिलेंडर की ऑप्शन आएगी। मैं सब तो पहला थोनों अंदरों दिखा दिंदा। जिवें आप अंदर एंटर करते हैं आ किचन आ जाती है। यू शेप दे विच किचन हैगी है, मॉडलर किचन हैगी, तुसीं देख सकते हो सारे बॉक्सिस बने हुए हैं और ब्राउन शेड दे विच किचन बनी है। एंटर करते ही किचन बनी है, आ यूनिक किचन है, बहुत रेयर मिलती है इस तरह की ऑप्शन। आ पार्टीशन दिता है तुसी देख सकते हो, MDF शीट लगी हुई है और ये आ गई अपनी ड्राइंग रूम स्पेस। इस तुसी एल शेप दे विच आराम नाल जिहड़ा हैगा सोफा लग जाता है और इत्थे बड़ी LED पैनल बनया हुआ, बड़ी तो बड़ी LED लग जाती है। तो दोस्तों इहदे नाल ही पिछे बेड़ा भी हैगा, पिछला बेड़ा भी दिखा दिंदा। आ पिछला बेड़ा आ गया और तुसी देख सकते हो पिछे वॉशिंग एरिया आ जाता है। दोस्तों तो दोस्तों ये सीगा किचन, ये सीगी अपनी ड्राइंग रूम स्पेस और दो रूम्स आते नीचे। पहला रूम हैगा ये तुसी देख सकते हो। मैं इस कोठी की वीडियो फिर बनावांगा एक बारी, हाले इत पूरी कोठी का काम हो जाएगा, एक बारी फिर बना दाँगा। इतने बैड लगन तो बाद बहुत जगह बचती क्योंकि कपबोर्ड्स जी है उस तरफ हैगी है। तो दोस्तों ये आ जाता वॉशरूम, सैनिटरी फिटिंग ऑलरेडी हुई हुई है, वॉशरूम के भी टाइल्स लगी हुई है, टॉप तक जी है टाइलिंग हुई हुई है। ए सीगा अपना दोस्तों पहला रूम, तुसी देख सकते हो। ये 4 BHK 138 गज है, टू साइड ओपन है। हुण टू साइड ओपन किवें है वो मैं थोनों उपर जाके दिखाऊंगा फर्स्ट फ्लोर ते। ते उस तो अलावा सर ये आ जाता अपना, तुसी देखोगे सैकेंड रूम, सेम उपर फॉल सीलिंग हुई हुई है, सेम एक कपबोर्ड्स बनी हुई है और वो ड्रैसिंग की ऑप्शन आ जाती है और अटैच वॉशरूम आ जाता है। आ हैगा दोस्तों अपना सेकेंड रूम, बेसिकली नीचे एक किचन हैगी है और एक अपना ड्राइंग रूम है। आ पहला रूम अटैच वॉशरूम आ गया दोस्तों। और हुण मैं तुहानूं फर्स्ट फ्लोर दिखाना, वो तुहानूं ज़्यादा बैटर क्लीयर दिखेगा। दोस्तों डबल मोल्डिंग स्टेयर्स हैगी है सारी और उपर भी टफन ग्लास लग्या होया, तुसीं देख सकते हो। उपर तक टाइलिंग्स लगी हुई, तुसीं देख सकते हो सारी। फ्रंट लुक भी बहुत प्यारी हैगी इस कोठी की। दोस्तों ऊपर तक स्टेयर जा रही है, कल अगर सैकेंड फ्लोर से कोई कोठी बनाना चाहता है तो टॉप तक स्टेयर्स दी हुई है। जिवें कि नीचे नालों उपर का व्यू दिखा रहे हैं, सेम चीज़ है। एंटर करते ही आ किचन बनी हुई है, तुसी देख सकते हो उपर फॉल सीलिंग हुई हुई है, तीन चार बंदे ईजीली खड़ सकते हैं और काफ़ी स्पेस हैगी किचन के विच। आ पार्टीशन दी हुई तुसी देख सकते हो, सेम जिवें मैं नीचे दिखा रहा सीगा, एल शेप दे विच सोफा लग जाएगा और LED पैनल बनया हुआ, बड़ी तो बड़ी LED लग जाएगी। हुण जिहड़ा कि नीचे क्लीयर नहीं दिखा पाया वो जिवें कि थल्ले सैकेंड रूम सीगा, इस तरह है। थर्ड रूम जिहड़ा हैगा सेम इस तरह का बनया हुआ है। नीचे इत्थे बड़ा जिहड़ा हैगा बैड लगन तो बाद भी जगह बचती है, आ जाती अपनी LED पैनल, तुसी देख सकते हो दोस्तों। और ये फुल साइज जिहड़ी हैगी कपबोर्ड्स बनी हुई है। यदि आस्किंग हैगी है 1.5 की, बाकी बैठ के नैगोशियेबल है। टू साइड ओपन 138 गज है और आ गया अपना वॉशरूम, सेम टॉप तक टाइलिंग हुई हुई है। हुण तुहानूं सैकेंड फोर्थ रूम दिखाना। आ दोस्तों आ गया फोर्थ रूम, सेम जो नीचे सीगा सेम वही फॉल सीलिंग डिजाइन है, वुडन वर्क भी सेम है। आ गया अपना कपबोर्ड्स तैयार पई है और अटैच वॉशरूम आ गया। वॉशरूम साइज भी काफ़ी अच्छा हैगा और टॉप तक जड़ी हैगी टाइलिंग्स हुई हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये सीगा अपना फोर्थ रूम। ऊपर तुसी देखोगे सारी स्प्लिट AC की ऑप्शन पई हुई है और काफ़ी अच्छा घर बनया हुआ है। तो दोस्तों नीचे दो रूम्स है, दो वॉशरूम है, अपनी किचन आ गई और ये अपनी आ गई ड्राइंग रूम स्पेस और ये आ गया अपना फोर्थ रूम, तुसी देख सकते हो।
और दोस्तों ये आ गया अपना थर्ड रूम। हुण टू साइड ओपन किस तरह हो भी दिखा दिंदा तुहानू, आपां पिछले बेड़े चलते हैं। मेरी हमेशा कोशिश हुंदी है कि लाइव वीडियोज़ बनावा थोड़े वास्ते, बेस्ट टू बेस्ट चीज़ लेके आवां। दोस्तों जिवें आपां पिछले बेड़े चाहते हैं, आ पिछू दी ओपन हैगा, पिछे उधर घर बने हुए हैं, आ सारा ओपन है, अपनी ग्रिल आ गई, आ पिछू तुसीं देख सकते हो रास्ता सारा ओपन है दोस्तों। तो पिछू दी वेंटीलेशन हैगी है, टू साइड ओपन हैगी है कोठी, और ये वॉशिंग एरिया आ गया अपना। तो दोस्तों लोकेशन बहुत प्यारी है, नीयर टू एयरपोर्ट रोड है। अगर कोई एयरपोर्ट रोड पर छोटी कोठी देखता है, उसकी भी कॉस्ट आजकल 90-95 मंगते हैं, ये 1-5 की है, एयरपोर्ट रोड के कोल है, और साइज़ भी 138 गज है। और दूसरी यदि खासियत यह है कि टू साइड ओपन भी है। तो दोस्तों अगर तुम इस कोठी बारे होर जानना चाहते तो मैनू कॉल करो मेरे मोबाइल नंबर पर 7986051479 पर। मैनू सबसक्राइब लाइक जरूर करो, थोड़े सपोर्ट और आशीर्वाद की लोड़ हैगी है। उम्मीद करते मेरी वीडियो थोनों पसंद आई होगी, आप फिर मिलते एक नवी वीडियो नाल। इस वीडियो देखने लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद जी।